छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इन सीटों पर कुल 123 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला लगभग 1.25 करोड़ वोटर तय करेंगे। रायपुर और बिलासपुर में सबसे ज्यादा 25-25 उम्मीदवार हैं, जबकि सरगुजा में सबसे कम 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। यह तीसरे और अंतिम चरण का मतदान है, जिसके बाद राज्य की सभी 11 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस बार कांग्रेस के सामने लोकसभा की सीटों को भाजपा से छीनने की चुनौती है। प्रदेश में 11 में से 10 सीटें अभी भाजपा के पास हैं। आज रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और सरगुजा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मुख्य मुकाबला: रायपुर सुनील सोनी बीजेपी, प्रमोद दुबे कांग्रेस, दुर्ग विजय बघेल बीजेपी, प्रतिमा चंद्राकर कांग्रेस, जांजगीर चांपा गुहाराम अजगले बीजेपी, रविशेखर भारद्वाज कांग्रेस, दाऊराम रत्नाकर बीएसपी, सरगुजा रेणुका सिंह बीजेपी, खेलसाय सिंह कांग्रेस, रायगढ़ गोमती साय बीजेपी, लालजीत सिंह कांग्रेस, कोरबा ज्योति नंदुबे बीजेपी, ज्योतना महंत कांग्रेस। आइए जानते हैं आज के मतदान की कुछ झलकियाँ। कई जगहों पर देर से मतदान शुरू होने से मतदाताओं की लंबी कतारें लगी, लोग हुए परेशान। बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव ने सेफर्ड स्कूल में किया मतदान। कोटा विधानसभा के रतनपुर में वार्ड 15 की ईवीएम मशीन बिगड़ी, कई मतदाता लौटे। बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अटल श्रीवास्तव ने अपने परिवार के साथ तिलक नगर स्कूल में किया मतदान। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 85 साल के बुजुर्ग नारायण प्रसाद ने मतदान किया और संदेश दिया, पहले मतदान फिर जलपान। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल बिलासपुर में मतदान करने पहुंचे। कांग्रेस सांसद प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव ने भी अमर अग्रवाल से मुलाकात कर गले मिलकर शुभकामनाएं दी।